दिल्ली में बीते 23 सालों में सबसे भीषण ठंड, बिहार के 8 जिलों में सीवियर कोल्ड डे जारी, पंजाब हरियाणा में आज बारिश की संभावना, उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। IMD के मुताबिक 23 साल में दिल्ली में तीसरी बार इतनी भीषण ठंड पड़ी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजधानी में 14 जनवरी से फिर से ठंड बढ़ सकती है। इसके साथ ही विभाग ने बुधवार और गुरुवार को पंजाब और हरियाणा में बारिश होने की संभावना जताई है। हिमाचल के कई इलाकों में मंगलवार को पारा माइनस में रहा। मंडी जिला में तापमान 2 तक पहुंचा। 11 बजे तक लोग कोहरे की चपेट में रहे। वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने से प्रदेश में बुधवार रात से मौसम करवट बदलेगा। दोपहर बाद से प्रदेश में हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान के मुताबिक किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले के ऊंचे क्षेत्रों में भारी हिमपात का येलो अलर्ट रहेगा। शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भी अगले 3 दिन भारी बर्फबारी हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है। छत्तीसगढ़ में उत्तरी हवा का भी असर अब भी है। पिछले 48 घंटे में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि रात के तापमान में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन अगले 1 हफ्ते तक ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।